तो भाई द लाइन्स गेट प्ले बहुत धनाधन करके डर रहा था, लेकिन इस बार कुछ हमको हट के डर रहा है, जहाँ पे सीजन 1 सीजन 2 दोनों का ट्रेलर एक साथ आया, जिसका नाम है द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस का सीजन 1 सीजन 2 का ट्रेलर दोनों का आ गया लिटरली। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे मतलब पॉसिबल है, लेकिन है पॉसिबल। आप अपने तो प्राइम पे जाके देख सकते हैं लाइन्स गेट प्ले, उसका एक सब्सक्रिप्शन सजेस्टेड चैनल्स है, आपको उसके चैनल के लिए अलग से एड ऑन सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आजकल नया एड ऑन वाला चीज जो कह रहा है, ये क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे एड ऑन क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, तो उसी तरह से लाइन्स गेट प्ले भी बोला कि जब आप प्राइम मेंबरशिप ले चुके होंगे तो आपको एक छोटा सा और सब्सक्रिप्शन एड ऑन पे लेकर लाइन्स गेट प्ले को देख रहा होगा, जहाँ पे गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस्ड एंड देन एक्सपीरियंस मीन दैट कि आप एक्सपीरियंस करना, ट्राई दैट लिटरली प्रैक्टिकल। पहले टीचर से बोलते थे भाई प्रैक्टिकल कर दो बायोलॉजी में, लेकिन नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस में ये चीज आपको प्रैक्टिकल दिखेगी, और एक मतलब ब्यूटीफुल नजर नजरिया है ना कि हाँ भाई क्यों नहीं दिखेगी। तो मतलब इस तरह से कॉन्टेंट हम देखते हैं, एक एक्रोटिक कंटेंट है क्या प्राइमर पे, एक्रोटिक कंटेंट क्योंकि बाहर में सब चीज अलाउ है, इंडिया में ऐसा नहीं भाई अलाउ नहीं है, लेकिन अलाउ जब नहीं होता जहाँ पे ना, वहाँ पे लोग और देखते हैं, मतलब और भी ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि नहीं अलाउ है लिटरली। कुछ तो बातें तो नहीं अलाउ है, फोकस्ड कर दिया गया, बैन है भाई, फैन है, तो बैन ही फैन बनते हैं और फैन ही बैन कराते हैं। तो बेसिकली द लाइन्स गेट प्ले प्रेजेंट द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस का ट्रेलर आ गया सीजन 1 सीजन 2 दोनों धमाकेदार भाई, साला खाली ठोका ठोकी हो रहा था लिटरली, इतना बेहतरीन लग रहा था ना, ये कंटेंट आपको दम बचा देगा, मतलब इस लेवल का कंटेंट था। आप एक मतलब कंटेंट को एक अलग लेवल पे देख सकते हैं, कि एंजॉय लेवल पे देख सकते हैं, देन फाइनली आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि न्यू थिंग्स को, कि जब ये बेसिकली एक होमोसेक्सुअल का स्टोरी थी, तो बेसिकली आप उसको फिर ज्यादा प्रिटेंड भी कर सकते हैं, कि अलग सी कहानी आप प्रिटेंड कर सकते हैं, और ये तो कोई गलत चीज नहीं है लिटरली। मैंने बधाई 2 में भी आपको ये बात बताई थी, और ये बेसिकली मैं इस मूवी में बताऊंगा, कोई गलत चीज नहीं लिटरली, ये एक पार्ट है जो इस लाइफ को भी हमें जीना होगा, हम एक इवोल्यूशन चाह रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन में भी और क्रिएचर्स में भी इवोल्यूशन हुआ, तो अब ह्यूमन बींग्स में भी इवोल्यूशन हो रहा है, दैट्स दिस इवोल्यूशन कैन मेक्स अ न्यू थिंग, न्यू वर्ल्ड एंड न्यू एनर्जी। हेलो फ्रेंड्स, क्या था आपको वीडियो कमेंट करके जो बताएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे ब्लॉग्स को मिलते हैं, टिल देन बाय।